बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवर्ब पार्ट वन एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाई वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब आर होल सेंटेंस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये डेफिनेशन चार एरियाज को कैसे कवर करती है, कि ये वाहिद डेफिनेशन है कि जिसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है। ये चार फंक्शन है इसके, कि कभी ये वर्ब को मॉडिफाई करती है, कभी एडजेक्टिव को करती है, कभी पूरे सेंटेंस को करती है, और कभी दूसरे अपने साथ के एडवर्ब को करती है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट को देखते हैं, ही वॉक स्लोली। ही वॉक स्लोली इसमें एडवर्ब है और ये मॉडिफाई कर रहा है वॉक्स को। भाई किस तरह वॉक कर रहा है? आहिस्ता चल रहा है। ही इज एक्सेप्शनली ब्राइट स्टूडेंट। ब्राइट एक एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है? ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। स्टूडेंट एक नाउन है और एडजेक्टिव का काम है नाउन को मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना। एक्सेप्शनली यहां पर एडवर्ब है जो कि ब्राइट को मॉडिफाई कर रहा है। इसको मॉडिफाई मीन किसी चीज़ को चेंज करना, उसके अंदर रिफाइननेस लेके आना, उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना। अब थर्ड एरिया को देखते हैं हम, एन अदर एडवर्ब। ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली। स्लोली पहले कर रहा था, अब स्लोली नहीं कर रहा, बहुत ही ज्यादा आस्ता कर रहा है। इसका मतलब है दूसरे एडवर्ब को वेरी जो है, वेरी एक जाना माना एडवर्ब है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। और ये मदर बात यह है कि ये एडवर्ब के साथ भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ होता है। ये जब हम कोई एडजेक्टिव्स का और इनका यूज़ बताएंगे तो ये तमाम चीज़ें, ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। बकायदा होल सेंटेंस इसमें क्या सिचुएशन है? फॉर्चुनेटली वी रीच देयर इन टाइम। फॉर्चुनेटली पूरा एक मुकम्मल सेंटेंस को रिफाइन कर रहा है, एक वर्ड पर नहीं कर रहा। इस तरह के बेशुमार सेंटेंस हम देखते हैं और बना सकते हैं। सडनली आई सॉ अ लाइन। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के एक डेफिनेशन को एक मॉडल के ऊपर हमने क्या क्या डिपिक्ट किया है। और जब भी आप भूल जाएं, आप बिल्कुल इसको मॉडल को याद रखें, आपको तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। एडवर्ब की डिफरेंट काइंड्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वान्टिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज फाइव वी विल डिस्कस इन आवर फर्स्ट पार्ट। अफर्मेटिव एडवर्ब जिसको यस और नो कहते हैं, यस यू आर राइट, नो यू आर रॉन्ग। रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये हम 6 से लेकर 10 तक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ग्रूमिंग एंड फॉर लैंग्वेज। अब ये 5 काइंड जो है 5 एरियाज पे बेस करती है। कोई भी एक्शन जो परफॉर्म किया जाता है वो किस तरह होता है, कहाँ पर होता है, कब होता है और किस हद तक वो एक्शन जो है उससे अफेक्ट होता है और कितनी दफ़ा वो एक्शन रिपीट होता है। हाउ इट इज़ डिनोटेड बाय एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर कहाँ पे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब ये बात हुई, कब ये वाक़या रूनमा हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम इससे डिनोट करते हैं। हाउ मच कितनी शिद्दत थी उसमें, टू व्हाट एक्सटेंट, इंटेंसिटी क्या थी? एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ ऑफन कितनी दफा एक्शन रिपीट हुआ, ये कितनी दफा एक्शन को रिपीट करते हैं। तो कहते हैं ही ऑलवेज गोज टू स्कूल। अब हम इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। तो मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म आर इज डन। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ, कैसे चलता है तो किस तरह चलता है, बोलता है तो किस तरह बोलता है। स्पीक सॉफ्टली, शी क्राइड लाउडली, बट दे वर्क हैप्पीली। दीज आर सम अदर एडवर्ब्स। दूसरे हैं, इसका वे क्या है, आप इसको इसके सेंटेंस बनाएं और इससे आपको जिस तरह एक इसमें वर्ड यूज हुआ ब्यूटीफुली, हम कहते हैं ही वर्क्स ब्यूटीफुली। एडवर्ब ऑफ प्लेस पे आ जाए, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ प्लेस एंड पोजिशन ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड
adverb of place. It tells us the place where something happened. कहाँ पे वो वाक्य रोन हुआ? It is placed just after the verb. कुछ adverb verb के पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं. इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I live here. मैं यहाँ पे रहता हूँ. They live there. In spring, flowers, blooms everywhere. These are some other adverbs which you're watching on the screen. Adverb of time. This shows when an action is done or happens. You can see on screen, he goes to school daily. तो क्या time होता है? रोजाना जाता है. लेकिन ये क्या है? He came yesterday. वो कल आया. कौन वक्त क्या था? कल आया वो. I'm coming today. मैं आज पहुंच रहा हूं, आ रहा हूं. He will come tomorrow. वो कल आएगा. These are some other adverbs which are commonly used as a adverb of time. Adverb of degree. किस हद तक? An adverb of degree is used to discuss the degree or intensity of an adjective, verb and another adverb. तीन areas हैं. ये वही चीज रिपीट हो रही है जो इसकी डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है एडवर्ब की, वो इस पे ऊपर पूरा तो बाकी जो कुछ एरिया कवर करता है. ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये कोई क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और आपको याद भी रखना चाहिए कि डेफिनेशन के फुल पार्ट को जो कवर करता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री करता है. दिस आंसर द क्वेश्चन टू व्हाट डिग्री, किस हद तक, हाउ मच एंड टू व्हाट एक्सटेंट, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. इट इज यूजली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, verb and the adverb. तो ये दो areas हमने किया, क्या जी, adverb of degree और इसकी definition. अब देखते हैं adjective को किस तरह कर देता. Water is extremely cold. Cold क्या है? Cold है adjective और extremely है adverb. Add कर रहा है कुछ ना कुछ इसमें. Verb. Verb है finished. He was almost finished. वो खत्म हो गया तकरीबन, यानी कि का कोई हाल नहीं रहा. एडवर्ब. इट रेन वेरी हैवीली. हैवीली दूसरा एडवर्ब था और वेरी भी एडवर्ब था. वेरी उसको फोर्स दे रहा है. दो एडवर्ब इकट्ठे आ सकते हैं. ये कुछ और एडवर्ब हैं, इनको पास करके आप देख के देख सकते हैं इसको प्रॉपरली इस्तेमाल. इसको हम थर्ड में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और किस तरह इस पर हमने प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है, किस तरह इसको मेमोराइज करना है, ये हम तमाम चीजें उस पार्ट में देखेंगे. दैट इज अ थर्ड पार्ट ऑफ एडवर्ब. ये वही वर्ड है लेकिन हमने इसको कैटेगराइज कर दिया मीनिंग के एतबार से. कंप्लीटली, एंटायरली, अटरली. एंटायरली एल वाई, ये टी है, इसको वाई है बेसिकली. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग टेक्स प्लेस. This answers the question how often, कितनी दफा repeat होता है जी. Always. He always goes to mosque for prayer. हमेशा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि कितनी दफा repeat होता है. Five times है तो five times होता है. They usually quarrel. वो लड़ते रहते हैं, आमतौर पर वो लड़ते रहते हैं. I normally go to gym. Often अक्सर के sense में लेते हैं. They often go for dinner. Sometime, बाज़ औक़ात क्या करते हैं. I sometime go with my ब्रदर, यानी किसी और के साथ भी जाते हैं, उसके साथ भी जाते हैं. ओकेजनली, आई ओकेजनली ईट जंक फूड. सेल्डम, आई सेल्डम रीड द न्यूज़पेपर. कभी कभार, शाज़ो नाज़र. हार्डली, बमुश्किल. एवर, आई हार्डली एवर ड्रिंक अल्कोहल. बमुश्किल ही कभी कभार मैं भी. नेवर, आई नेवर गो टू द सिनेमा. आई डोंट लाइक इट. मुझे ये पसंद नहीं है. अब एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर. अब गौर करें, इसमें थोड़ी सी हिंट दी जाएगी आपको. ही इज वॉकिंग. क्या हो सकता है? तेज चला जा सकता है, स्लोली चला जा सकता है, और इसका आंसर आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा. लेकिन इसमें नया वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं जो बी से शुरू होगा और एल वाई पे ख़त्म होगा. देखें और तलाश करें. आम वॉचिंग, क्या कर सकता हूँ मैं? टी वी देख सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ इसमें, आपने गौर से देखना है. प्लेस, तो प्लेस में क्या है? दे लिव, यहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं. मैंने अभी अभी अपना काम ख़त्म किया. अब गौर करना है क्या वर्ड आएगा इसमें. द वाटर वॉज
डैश, अब ये भी बड़ा, अब वीडियो देखें इसके अंदर से जवाब मिल जाएगा आपको। दे डैश क्वर, अब ये आपने देखना है कि वो इधर क्या कॉल, एक से ज़्यादा वर्ड भी यहाँ पे आ सकते हैं।